नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। नगर उटारी अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण व जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार नगर उटारी के मार्चवार ग्राम में लौंगा नदी के तट से हो रहे अवैध बालू का उठाव कर रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त 4 ट्रैक्टर पाले ग्राम के समीप से तथा 3 ट्रैक्टर नगर उटारी से जब्त किया है। जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सभी बालू लदा ट्रैक्टर अवैध रूप से मार्चवार से लौंगा नदी से उठाव कर बेचने ले जा रहा था। मंडल पदाधिकारी नगर उटारी सर और मेरे द्वारा जो है संयुक्त रूप से जांच किया गया है। मार्चवार में जो है अवैध बालू का खनन की सूचना हमको प्राप्त हो रही थी। उसके संबंध में हम लोग जांच करने के लिए गए थे। जांच के दौरान में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा लगभग हमको लगता है 200-300 के आसपास में बालू का स्पॉट में अवैध खनन कर करके उन लोग जो है जमा कर करके रख करके ट्रैक्टर के माध्यम से बेचता था। उस क्रम में जो है हम लोग रास्ते में 4 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं जो कभी थाना में लाया हुआ है और कुछ लोगों का नाम हम लोग को पता चला है जो अवैध खनन करते हैं। उन लोग पर सब पर जो है कल प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। जो भी ट्रैक्टर है और जो भी अवैध खनन करता है वो सारे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। सभी ट्रैक्टर संचालन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा बालू उठाव में शामिल लोगों के विरुद्ध चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।